हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट टाइम ब्लॉग। आज हम बात करने वाले ऐसे शेयर के बारे में जिसने अपना 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिया एक दो दिन पहले और आज वो रिटेस्ट हुआ है। ऑब्वियसली आप अपनी स्क्रीन पे नाम देख चुके होंगे कि आज हम लोग एपोटेक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे प्लेयर हैं जो 52 वीक हाई के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, प्ले करते हैं, पोजिशन बनाते हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम एपोटेक इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आप इतने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये कंपनी 1980 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ डिवीज़न ऑफ एशियन पेंट्स मैन्युफैक्चर, और ये काम करती है सिंथेटिक लेदर्स के लिए, रबर बनाती है। और ये कंपनी जब सेपरेट हुई थी तो अंडर द लीडरशिप ऑफ अतुल चोकसी, जो कि फॉर्मर MD है एशियन पेंट्स के। अगर मैं कंपनी के और भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी सिंथेटिक रबर, जिसमें कि NBR और NHS और HSR दोनों आता है, सिंथेटिक लेटेक्स में भी कंपनी का काम है, और कंपनी का एक बहुत बड़ा रेंज है पॉलीमर्स में, जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में है। अगर मैं कुछ और बताऊं तो कंपनी का जो लार्ज रेंज है लेटेक्स का, वो पेपर, पेपर बोर्डिंग, कोटिंग एंड कारपेट बेकिंग में भी काम आता है। ये तो हुआ कंपनी के बारे में कुछ बात। अगर हम नेक्स्ट कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज़ को अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप कंपनी का 3400 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस अभी 659 का चल रहा है। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय अलग कुछ शेयर प्राइस चल रहा हो। स्टॉक का PE 34 का है, और वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री का PE करें देखें तो 24 का है, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का इधर उधर है। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी के स्टॉक के PE में भी हमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो फिर अगर स्टॉक का PE थोड़ा हाई है तो वो हम उसको थोड़ा हाई वैल्यूएशन का PE दे सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके। कंपनी का ROCE 35% का है, बहुत अच्छा है। कंपनी का ROE 28% का है, बहुत सुंदर है। जिस कंपनी का ROE एंड ROCE अच्छा होता है, उस कंपनी में आप अच्छे से, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, जो कि हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। साथ में आप देख सकते, जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से, या फिर आप मान लीजिए पिछले 5-6 महीने से ही शेयर मार्केट का कंडीशन सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारे शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए, बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े लार्ज कैप के शेयर्स जो है वो 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। और उस मार्केट कंडीशन में अभी एपोटेक इंडस्ट्री हमें 52 वीक हाई का एक ब्रेकआउट दे रहा है, एंड इवन देखा जाए तो शायद वो ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट है। तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन पोजीशन बनाने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और फिर पोजीशन बनाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग आप देख सकते हैं 58% का है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी परसेंटेज जो है स्टेक का वो प्लेज नहीं है, और 58% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, मतलब कि 50% से ज़्यादा है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 28% का है, वो मैंने पहले ही आपको बताया। फेस वैल्यू कंपनी का 2% का, 2 रुपीज़ का है, और वहीं पे कंपनी जो डिविडेंड यील्ड पे करती है वो 0.73% का है, बहुत नेगलिजिबल है। तो अगर आप इस कंपनी में इसलिए बस इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको डिविडेंड से इनकम करना है, तो ये कंपनी डिविडेंड के लिए नहीं है। डिविडेंड जो कंपनी आपको देती है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप चाहें तो वो वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड पे करती है, और अगर आप डिविडेंड के लिए बस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो हुआ कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात। अब जो हमारा मेन है, जो कि चार्ट है, अब चार्ट पे चलते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, मतलब कि मैंने ये पहले भी बोला था, इसका वीडियो बनाया था जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 1920 अप्रैल के अराउंड। तो उस समय हमने ये स्टॉक बोला था कि इसमें लोग पोजीशन बना सकते हैं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं आपको बता देती हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ अभी। इसलिए आप जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप अपना कंसल्ट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लें, एंड देन आप इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कंपनी ने जो ब्रेकआउट दिया था उसमें हमने कहा था कि आप ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस था 370 का, मतलब कि 415-420 के अराउंड हमने बाई का कॉल दिया था, एंड 380 जो था हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हैं 420 से अभी 520 620 स्टॉक आ चुका है, मतलब 200 पॉइंट का जंप बहुत ही शानदार
मूव दिया है कंपनी ने पिछले एक महीने में, बहुत अच्छा मतलब कि लोग प्रॉफिट बनाओगे, 400 से 600 मतलब कि ऑलमोस्ट 50% का हमें प्रॉफिट मिल चुका है अगर आप इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाए होंगे तो। अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 641 पे, लेकिन कंपनी ने अपना हाई बनाया था आज, हाई बनाया था 600 ये वाला है 679 का आज कंपनी ने हाई बनाया था, और अभी कंपनी थोड़ा रिटेस्ट हुई है। कंपनी का एक्चुअली में जो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट था वो था 627 में, तो 627 के बाद कंपनी में एक हमें एक फॉल देखने को मिला, या आप बोल सकते हैं आप रिटेस्ट हुआ है। उसके बाद कंपनी ने आज फिर से अपना हाई बनाया था और अभी कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस और अपना पोजीशन साइजिंग आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा 52 वीक हाई का ब्रेकआउट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखा जाए तो ये बस 52 वीक हाई का ब्रेकआउट नहीं है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई है, एशियन पेंट्स का सब्सिडियरी रह चुका है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्म करके दिखाया है। अगर हम बात करें 2015 में तो 2015 के अराउंड कंपनी 25-30 रुपये की हुआ करती थी और अभी 600 पे हो गई है, 7-8 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जम दिखाया है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत अच्छा है, आज शायद मैं भी इसमें पोजीशन बना सकती हूँ बिकॉज ये 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, स्टिल कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फाइनली ये था मेरा आज का एनालिसिस, आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियोस आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो एक लाइक करके हमको इंक्रीज जरूर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।